लेट्स फिक्स इट हियर एंड या हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है 29th of June और कल है मेरा बर्थडे ऑन 30th of June। एंड मैं इतनी खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है, आई मीन ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट मैं इतनी खुश इस टाइम पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे टीम मेट्स ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ओ माय गॉड, अभी बस जो है 9:30, पूरी टीम जा चुकी है, बस मैं भोला रह गया यहाँ पे। मुझे नहीं पता है क्या सरप्राइज है, कैसा होने वाला है, तो मेरे साथ साथ आपको भी सब कुछ देखने को मिलेगा। वी विल एंजॉय टुगेदर एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, व्हाट इज अप? आज ये जो हम व्हाट इज अप बोल रहे हैं, ये आकांक्षा के व्लॉगिंग चैनल के लिए बोल रहे हैं। कल आकांक्षा का बर्थडे है तो आज हम उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट लेने जा रहे हैं। और ये तमीज भी हमें आकांक्षा ने सिखाई है कि सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट लेने होते हैं किसी के बर्थडे पे या किसी ऐसे इवेंट पे, क्योंकि हमने जो अपनी जिंदगी निकाली 25-26 साल की, कॉलेज में जब थे, स्कूल में जब थे, तो हमेशा लौंडों के बीच में थे और ये वाली चीज हमेशा देखी थी कि भाई ये मुंह लेके जाके खड़े हो जाते थे बर्थडे में किसी के भी, और खाते पूरा थे और मारते पूरा थे। जब से आकांक्षा आई है तब से हमें कुछ नई चीजें पता चली हैं कि भाई ऐसे करके सरप्राइज बहुत जरूरी है सामने वाले को। ओ माय गॉड, वो कर दो। तो आज जो हम लेने जा रहे हैं वो है एक, बाकी इतनी व्लॉगिंग आती है और वहां पहुंच के बाकी की चीजें करते हैं, बाकी की चीजें बताते हैं आपको। बोले आराम से, तू जल्दी कर ले। क्या लग रहा है मतलब क्या सरप्राइज होगा तेरे लिए? हमारे बर्थडे पे ये होता था केक आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर आकांक्षा और भोला में फर्क भी तो है। जब तू सरप्राइज को देखेगी ना, हाँ। मतलब गले वाले रोने ना लगे यार तू। अच्छा मुझे पता है क्या लगता है। अच्छा बता। कि इन्होंने तुझे मेरे साथ यहाँ पे क्यों छोड़ा कि तू और मैं साथ में चले जाए? नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है तेरे वहाँ जाके भी कुछ हेल्प नहीं होता तेरे से, तुरंत कोई इनपुट नहीं होता। हाँ, मैं यहाँ पे ये केक मतलब ये केक बोत में केक भी तो एक लेके आया, दो लेके नहीं आ पाया। आकांक्षा हमेशा से ना बहुत ना उनके बीच में रही, जो होती नहीं है बहुत नाजुक से पली है, बहुत ये आकांक्षा जी बहुत नाजुक से पली है, तो इन्हें तो इन्हें बहुत प्यार की जरूरत है। तो भैया कुछ भी कर लो, फोन आ रहा है शिवम का, तो कुछ भी कर लो, ये उस चीज को लेके अपने दिल में बैठ जाती है। हेलो, हाँ एक घंटा नहीं, हेलो किसकी नेविगेशन की? अरे भाई 10 मिनट में आ रहे, कह तो दिया। हाँ भाई चल रही है कैब, चलती हुई कैब से बातें कर रहे हैं, मतलब चलती हुई कैब के अंदर बात कर रहे हैं। सुनाई दिया गाइस, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, वी आर जस्ट 2 मिनट्स अवे एंड मैंने अपनी ड्रेस थोड़ी सी रिवील कर दी है। यार ये देवेश भाई भी हमारे साथ, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। भाई क्या, ओए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। जो सामान है बोल बोल आ रहे भाई। हां हां कौन है? हैप्पी बर्थडे, ये क्या, ये फोन नहीं करता हैप्पी बर्थडे यार, इतना बिजी होने का दिखावा कर रहा है बंदा। हमने कर दिया, कर दिया हमने। अबे यार हम तैयारियां ही करते रह गए यार। ये क्या है भाई? चलो रोना नहीं है। क्या ओहो
अरे वो भी वेट कर रही है, खड़े होके चलो केक लाओ, केक ले आओ। क्यों रो क्यों रही है, तू पागल है क्या? चल केक काट ले, रो क्यों रही है? ऐसे नहीं रहेगा फ्रेंड, क्योंकि आकांक्षा केक ना काटेगी ना, बैकग्राउंड में ये रहेगा। यार मैं उसके हिसाब से देख रहा था कि दिखेगा अच्छा क्या। ये अगर तुम ब्रांड्स भी ले आए होते तो थोड़ा और अच्छा लगता मुझे। But this is all, I appreciate it. I do. बस अभी बटन पुश करना, बस एक मिनट दिखाओ, पर अभी नहीं, मतलब कर मत दियो भी, पर चलो उसके मुंह की तरफ बटन जब दबाओगे तुरंत ही हो जाएगा ये। शुभ कर दो भैया ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार मेरा सपना था ये करने का, थैंक यू यार। अरे अरे तब तो फिर सोचे वो मैथ गाइस, मुझे जिंदगी में इन्होंने पहली बार गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। वो तो कह रहा माँ का बर्थडे, हेलो मम्मी, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर सन। क्या ये? ये राइटिंग तो इट्स योर्स। क्या है ये? खोल तो। अरे वो बोलना पड़ता है ना, हैप्पी बर्थडे। क्या है ये? कहाँ रह गया? अबे कहाँ रह गया? हैप्पी बर्थडे। नामकरण भी नहीं हुआ है। मम्मी कह रही है। अब पढ़ लो। मम्मी। अब पढ़ लो, इस पे क्या लिखा है? जो हमारी राइटिंग में लिखा है। माँ का, अरे यार। मम्मी है? मम्मी। हाँ। अब अपने फीलिंग्स जरा कैंडिड फीलिंग्स एक बार कैमरा में देख के। वो कहेगा आते ही मेरे नाम पे व्यूज खाने शुरू कर दिए। इन्फ्लुएंसर्स डॉग। I was not expecting this. Oh fuck! तुमने पहला गिफ्ट दिया है और तुमने shit. आखरी। पहला और आखरी। आते ही हाथ में कितने महीने का? एक ऑलमोस्ट एक महीने का बच्चा। मुझे ज़्यादा एक महीने से ज़्यादा। हाँ। I really, I'm not able to. यार, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा बड़ा। हम बात कर रहे थे हम नए घर में लेंगे। बेबी। इसको गर्मी नहीं लग रही? गर्मी लग रही है क्या? लग रही होगी यार, लग रही होगी। हाँ, कहाँ था? आर एसी में ही था इधर। इधर दूसरे वाले रूम में। आई नहीं रहा ध्रुव, आई नहीं रहा, आई नहीं रहा। हम चिल्ला रहे हैं इधर इधर इधर। सारे प्लान को ध्रुव ने हाँ हाँ बोल के कि हाँ 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया। बेवकूफ की तरह क्या था तू? मैं वहां से दिख ही रहा था। तो आ गया था नीचे से आ जाता, आगे नीचे वो क्या जाता है इस वाले रूम की लाइट से लगा नहीं गया था तो प्लान खराब हो गया। मैं रिफ्लेक्शन पे हो रहा था भाई, वो फाड़ने के बाद आ गई थी और फिर वो निकालते हैं। मैं चीखा हूं मैं लिटरली तीन बार। हां मेरे को था ना कि अब आप चिल्लाई दोगे बस। इट्स ओके गाइस, मतलब मैं जितना ओवरवेलम फील कर रही थी ऑलरेडी हर चीज की वजह से, इसने सबको डबल कर दिया। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया यार, तुमने कैसे प्लान कर लिया ये?
शिट तुमने नाम सोचा कुछ नहीं तू ही सोचेगी नाम तो मेल है हाँ हाँ अमरेंद्र बाहुल वाली रख देते ना ऐसे करके बुला दे बाहर जाके शिवगामी देवी अमरेंद्र बाहुबली कौन सी भीड़ है खोला मतलब हमने मतलब प्लान ये था कि तू ये खोलेगी तो देखेगी अरे ये क्या है वो पीछे और वो पीछे खड़ा होगा लेके इसने पार्टी भी कर दी कहाँ ऊपर और पापा ने साफ कर दी किसने उठाई पापा ने साफ कर दी सच में ये मैं कह रहा हूँ अब तो ये करना ही है कर ही दूँ मैं मतलब मैं पॉटी साफ कर सकता हूँ लेकिन जो घिनौना पार्ट है ना वो है कि जब वो पॉटी करके लिख करके आगे मेरा मुंह चाट लेगा वो चीज है बस जिसकी इसको ट्रेनिंग सख्त ट्रेनिंग देनी है कि भाई ये नहीं करना तुझे बस के साथ दो रुपया बोला भाई वो बताऊंगा गलती से अपना वो बताओ एक बार ठीक यार अकेले फंसा कभी नाम सोच लो करने के बाद वैसे ही करना यार नामकरण बाहुबली मतलब ये कब से सोच रखा है यार देख ले तेरे हाँ को ऐसे करके ना आज से आप कहलाए जाएंगे आज से आप कहलाए जाएंगे तो मैं और शिवम जब भी बात करते थे लेने की हम नाम डिस्कस करते थे फिर एक बार हम दोनों ने साथ में स्वैगी बोला तो हमने डिसाइड किया कि हम जब भी लेके आएंगे तो यही नाम रखेंगे गाइस केक काटने का कार्यक्रम खत्म होता है अब हम थोड़ी पिक्चर विक्चर क्लिक कर आएंगे तो चाड़ा Lune, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿Cómo es? El rey de la selva Jane es perfecta gracias a sus raíces ¿Sabe? ¿Cómo es? El rey de la selva Ando con mi leona cazando los ciervos ¿Cómo es? El rey de la selva Yo soy jefe todo de leones a cerdo ये बढ़िया साले yo soy el rey de la selva que con la púa me dicen el tiro viejo yo soy el rey de la selva